सो हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात कर रहे थे. इंटीरियर ऑफ अर्थ वी केम टू नो थ्रो हम कैसे कैसे जान सकते हैं. पहला तरीका डायरेक्ट मेथड से. डायरेक्ट मेथड में क्या कर सकते हैं हम लोग, खोल सकते हैं, डिगिंग फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस. एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रशिया के कोला पेनिनसुला में अब तक सिर्फ 12 किलोमीटर का गड्ढा खोदा गया है. इससे कह रहा नहीं खोदा गया है. दूसरा क्या हो सकता है, माइनिंग कॉमर्शियल पर्पस. माइनिंग क्या होती है, 4 किलोमीटर तक ही हम लोग खोद पाते हैं. इससे नीचे खोदेंगे तो क्या होगा, चीजें बहुत महंगी पड़ जाएंगी, कॉस्ट लगती है ना खुदाई करने में, फिर उसको वापस निकालना है. ये हो सकता है. और क्या डायरेक्ट मेथड में आ सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन. जो वॉल्केनोस होते हैं हमारे, वॉल्केनोस इनिशियल स्टेज में तो हमें नहीं पता था कितनी डेप्थ से ये वॉल्केनो से मैग्मा या लावा बाहर आ रहा है, बट लेटर स्टेज में हमें पता चला है ये अप टू 400 किलोमीटर तक हम इनसे जान सकते हैं. ठीक है, ये क्या थे, डायरेक्ट मेथड थे. फिर देन वी हैव टॉक अबाउट इनडायरेक्ट मेथड्स. What were the indirect methods? Physical features, sir. First of all, physical features. We have talked about temperature of earth. That it goes increasing by 1 degree on every 32 meters. जैसे ही 32 meter हम जाते हैं नीचे, एक degree temperature बढ़ जाता है. ये इंसिडेंट लगातार होता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं, अप टू 8 किलोमीटर तक ही ऐसा पाया गया है. अगर लगातार 1 डिग्री हर 32 मीटर बढ़े तो अर्थ का रेडियस कितना बताया था मैंने, 6400 किलोमीटर अप्रोक्स था. अगर इतना बढ़ेगा हर 32 मीटर में, लगभग यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा कितना, 2,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन हमारे अर्थ के सेंटर में टेम्परेचर कितना है, 5500 के आसपास है. 5500 से 6000 के बीच में हमारा टेम्परेचर है. किसे क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि हर 32 डिग्री पे बढ़ तो रहा लेकिन बहुत दूर तक नहीं, थोड़ी देर बाद यह फिनोमेना धीमा हो जाता है. ओके, देन डेंसिटी. अर्थ के अलग अलग जगह डेंसिटी है तो हमें क्या पता चल जाता है, अलग अलग मॉलिक्यूल या अलग अलग मैटर्स की अलग अलग डेंसिटी होती है. डिफरेंट मैटर्स है, डिफरेंट डेंसिटी. तो जब हमने अर्थ में अलग अलग लोकेशन पे डेंसिटी चेक की तो हमें क्या पता चला कि अगर कहीं भी उसकी डेंसिटी किससे मैच कर रही है, आयरन से, दैट मींस कि उस जगह पे अर्थ पे हमें क्या मिलेगा, आयरन होगा. कहीं हम उसकी डेंसिटी गोल्ड से मैच कर रही है तो दैट मींस उसकी जगह पे गोल्ड होगा. इसी तरीके से डिगिंग वगैरह होती है. और क्या हो सकता है, अर्थ के अंदर प्रेशर भी है, प्रेशर से भी हम उसके इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं. ओके, देन वन मोर थिंग, एक और इंपॉर्टेंट था, वो क्या था, सेस्मिक. ओके, सेस्मिक पे सबसे पहले क्या, हम लोग ग्रेविटी से भी जान सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. अर्थ की अपने ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सभी को पता है, बिकॉज एवरीथिंग दैट हैज मास विल हैव इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. जिस चीज में मास होगा उसमें क्या होगा, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उससे भी हमें अर्थ की बारे में पता चलता है, क्योंकि अर्थ की हम लोग नॉर्मल ग्रेविटी क्या रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किसकी, अर्थ की, बताओ ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हम लोग क्या है, ये एवरेज पूरे अर्थ में हम यही मान चलते हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग जगह ये वेरी करती है. और जब ये वेरी करेगी तो हमें क्या बता रही है, वहां पर उस जगह इसका मास कम है, या अगर ज्यादा हो रही है तो क्या हो जाएगा, उसका मास ज्यादा है. कोई इशू, ये फिक्स नहीं. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, उससे भी हम जान सकते हैं क्या है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं. ओके,
एंड देन नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वेव्स इनसाइड अर्थ. अर्थ के अंदर वेव्स होती है, उन वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव्स. वेव्स दैट आर क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेकेज या किसी प्रेशर के कारण अर्थ के अंदर कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, या तो चट्टान टूट जाए या चट्टान क्या हो जाए, मेल्ट होके लावा में कन्वर्जन हो रहा हो, ठीक है, या कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी. वो एनर्जी जो रिलीज होती है किस फॉर्म में होती है? वेव्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग दो बोलते हैं, एस वेव और पी वेव्स, या पी वेव्स या एस वेव्स, ठीक है, पी वेव्स और एस वेव, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स. प्राइमरी वेव्स की दे कैन ट्रेवल इन किस किस मीडियम में ट्रेवल कर सकती है? ऑल मीडियम, सभी मीडियम चलती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, इनकी स्पीड भी तेज होती है. लेकिन बट जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ये सिर्फ किस में चलती हैं? दे ट्रेवल इन ओनली सॉलिड मीडियम. सॉलिड मीडियम चलती हैं, प्लस पी वेव जो है ये इनमें डेविएशन तब देखा जाता है या डेंसिटी चेंज हो जाए या मैटर चेंज हो जाए. भाई सॉलिड से लिक्विड में गए तो क्या होगा? मैटर चेंज हो गया. हो सकता है कभी कभी सॉलिड से सॉलिड में भारी सॉलिड था एक हल्का सॉलिड था. लिथियम और ऑस्मियम हम ले रहे हैं. लिथियम क्या है? बहुत हल्का मेटल है और ऑस्मियम सबसे भारी मेटल है. अगर हम लिथियम से कोई चीज ट्रेवल करा रहे थे और वो ऑस्मियम में आई, दोनों में मेटल सॉलिड है, कोई इशू नहीं है, बट हमने क्या देखा कि जैसे ही एक मेटल से दूसरे मेटल में जाएगी उसमें क्या होगा, एक ऑस्मियम था एक लिथियम था, जैसे ही ट्रांसफर की ये इसमें क्या होगा, डेविएशन देखने को मिलता है. कोई दिक्कत? स्पीड में भी चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द मैटर. पी वेव्स आर फास्टर एंड एस वेव्स आर स्लोअर. देन द थर्ड वन इज सरफेस वेव. सरफेस वेव हमें इसलिए नहीं पढ़नी है बिकॉज दे आर, अभी हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, ये अर्थक्वेक में पढ़ेंगे हम. मोस्ट सबसे धीमी होती है लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हमारे लिए यही होती है, क्योंकि अर्थ के सर्फेस पे ही हम रहते हैं, अर्थ के अंदर तो रह नहीं रहे, तो जो हमें ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाएगा? सर्फेस वेव. और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में चलती है. तो जब अर्थ के अंदर कोई मूवमेंट होता है तो हमने एस वेव और पी वेव से भी पढ़ा था कि इंटीरियर के बारे में कैसे जान सकते हैं. कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग कंप्लीट कर रहे थे. नाउ अब हम किसकी बात करेंगे? फाइनल पिक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर. अर्थ क्या कैसे बना है, उसके अंदर क्या मेटेरियल यूज हुआ है, किसने किया यूज, वो बात की बात है. क्या क्या मेटेरियल पाया जाता है और उसमें क्या स्टेट पाई जाती है. वी कैन से दैट केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अर्थ की. सपोज दैट वी हैव टेकन अ सेक्शन ऑफ अर्थ इंटीरियर, इट्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर, डेंसिटी क्या होती है एट द कोर 13 ग्राम पर मीटर क्यूब, 13 ग्राम पर मीटर क्यूब, एट द टॉप लेवल 2.7 ग्राम पर मीटर क्यूब, और एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है? 5.7 और या 5.5 ग्राम पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जो भी लिखते हैं हम लोग. तो ये क्या है, अर्थ की एवरेज डेंसिटी हम लोग यही पढ़ते हैं, 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन अर्थ हमें ये स्ट्रक्चर, देखो अर्थ डेप्थ में, अर्थ के कोर में चले गए हम, अर्थ को हमने खोदना शुरू किया 6400 किलोमीटर तक खोदा, उससे अंदर जाएंगे तो अर्थ पार होने लगेंगे, लेकिन हमें कहा सेंटर पे जाना था, अर्थ का सेंटर था, तो इस जगह पे जो डेंसिटी है सेंटर पे ये कितनी होती है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, और यहां पे क्या है 2.7. तो दोनों का जब एवरेज निकाला गया तो 5.7 या 5.5 अप्रोक्स आता है. कोई दिक्कत?
ये हम डेंसिटी की बात कर चुके थे। अब अर्थ क्या है, कई चीजों से बना हुआ और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, या हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, मिनरल्स बोल सकते हो। हाँ। जो केमिकल्स है वो मिनरल्स के फॉर्म में। तो अर्थ को हम मेजरली केमिकल पे देखें तो तीन फॉर्म में देखते हैं, दैट इज अपर वन इज क्रस्ट। अब देखो क्रस्ट की बात करें तो ये क्या होता है, ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट मतलब जो समुद्र के अंदर होता है, कोई दिक्कत। और ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स बनाए थे। उसके नीचे क्या आ जाएगा, अपर मेंटल। भाई नीचे क्या है, मेंटल है। मेंटल का कुछ पार्ट क्या होगा, रॉकी सरफेस होगा, दैट इज अपर मेंटल। अब ये जो हमारे ओशियनिक कॉन्टिनेंट होते हैं, ओशियनिक सरफेस जो है इसकी डेंसिटी होती है 3, ठीक है। फिर ये जो हमारे कॉन्टिनेंटल सर्फेसेस होते हैं इनकी डेंसिटी होती है 2.7। और ये जो हमारा मेंटल वाला पोर्शन है, मेंटल का जो अपर पार्ट रॉकी फॉर्म में है, इसकी डेंसिटी होती है 3.3। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, कोई दिक्कत। तो जो 2.7 डेंसिटी वाले रॉक्स हैं इनको बोलते हैं फेल्सिक रॉक्स, ओके। और जिनकी डेंसिटी क्या है 3 है, इनको बोलते हैं मैफिक रॉक्स। देन 3.3 वाले होते हैं अल्ट्रा मैफिक रॉक्स, इसको नोट डाउन कर लो, ओके। दैट ये क्या है, कॉन्टिनेंटल सरफेस है, कॉन्टिनेंटल रॉक्स है। देन ओशियनिक रॉक्स, ओशियनिक रॉक्स या ओशियनिक सरफेस। देन अपर मेंटल रॉक्स। सबसे बेस किसी के कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। Now we were discussing about chemical properties. Chemical properties में हमने क्या पढ़ा अभी तक, जो हमारा अपर पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट, एन इश्यू क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्रस्ट जो होता है, जो क्रस्ट है हमारी अपर सरफेस है। तो क्रस्ट में हमारा एक तो हो जाएंगे नॉर्मल कॉन्टिनेंटल सरफेस, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं हम इसको। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सीआर, दैट मींस इट हैज एक्सेस ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अपर फॉर्म को क्या बोलते हैं, सीआर। और जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट होता है, ओशियनिक क्रस्ट में आपको सिलिका भी मिल जाएगा, एल्युमिनियम भी मिल जाएगा और मैग्नीशिया भी मिल जाएगा। इसको हम लोग सीमा पढ़ते हैं, ओके। सीमा यहां नहीं पढ़ेंगे, सीमा ध्यान रखना यहां नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जो ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सीआर का बना होता है, ओशियनिक क्रस्ट सिलिका एल्युमिनियम और मैग्नीशिया के होते हैं।
बट मैग्नीशिया हमारे अपर सरफेस में बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्रस्ट को हमेशा किस फॉर्म में पढ़ते हैं, सीआल, सिलिका और एल्यूमिनियम की एक्सेस होती है, कोई दिक्कत। क्रस्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट इज अवर मेंटल। ओके, अब ये जो मेंटल होता है, मेंटल क्या है, मेंटल वी विल फाउंड इट इन सिलिका एंड मैग्नीशिया, सीमा, ओके, वी विल डू लाइक दिस, इट्स कोर एंड मेंटल, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, लास्ट हमको कोर मिल जाएगा, कोर हैज एक्सेस ऑफ निकेल एंड फेरिस, नीफे, निकेल एंड फेरिस, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। We haven't discussed about what's the matter. They are in liquid or solid state. That doesn't matter right now. अभी हमने क्या बताया कि किस स्टेट में हमें उससे मतलब नहीं है, हमको केमिकल प्रॉपर्टी जाननी थी। तो इसके क्रस्ट में क्या क्या होता है, सीआर, देन मेटल सीमा सिलिका एंड मैग्नीशिया, देन कोर निकेल एंड फेरस, दैट इज नीफे, दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देन द विड्थ ऑफ क्रस्ट, अभी जो आपका ओशनिक क्रस्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड मेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट आपका लेंथ होती है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर, कितनी 5 किलोमीटर की विड्थ होती है, कोई इशू, ओशनिक क्रस्ट, हाँ सिर्फ ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वाला सेक्शन सिर्फ, ओके 5 किलोमीटर, ओशियन की डेप्थ नहीं बात करते हैं, ओशियन के नीचे जो सरफेस है उसकी बात करते हैं, उसकी डेप्थ कितनी होती है 5 किलोमीटर। फिर इसके बाद करें हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लेन्स पे होता है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का, कोई दिक्कत, बट अगर ये माउंटेनियस रीजन में चले जाओगे तो ये 70 किलोमीटर तक हो जाता है, इनकी डेप्थ नहीं उसकी जो, हाँ क्रस्ट है, लेयर जो है उसकी, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या है, प्लेन्स वाला इलाका है, एंड दिस इज माउंटेनियस रीजन, ये हमने किसकी बात की, सिर्फ क्रस्ट की बात की, ओके। देन वी विल डिस्कस अबाउट नेचर, तो सबसे पहले क्या हमने देखा, ये जो सरफेस थी ये सब रॉकी फॉर्म में है, किस फॉर्म में थी, रॉकी फॉर्म में थी, और ग्रीक वर्ड में रॉक को बोलते हैं लिथो, That means it is lithosphere. तो lithosphere की अगर हम total length की बात करें तो यहां पर हो जाता है, यह आपका change हो जाएगा 30%, it will vary up to 10 किलोमीटर, कितना हो जाएगा ये 10 किलोमीटर, and it will go up to 100 किलोमीटर, and it will tend to 200 किलोमीटर, that means your lithosphere is up to 200 किलोमीटर। क्या है यहां पे, यहां पे रॉक्स है, क्योंकि मेंटल का जो अपर पार्ट है वो क्या है, रॉक है, कोई इश्यू यहां पे। देन इसके बाद क्या बताया गया, कैन 400 किलोमीटर तक, एक और मेंटल के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है इसका एग्जैक्ट फॉर्म किसी ने नहीं बताया है, एंड दैट इज नोन एज, ये क्या है, सॉफ्ट सॉलिड, क्या है, सॉफ्ट सॉलिड है या मैग्मा बोल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, मैग्मा पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट में होता है ना, नहीं लावा पूरी तरीके से लिक्विड स्टेट में होता है, और सॉलिड टेंड्स टू लिक्विड स्टेट, मैग्मा क्या होता है, मैग्मा अर्थ के अंदर होता है, तो उसके अंदर अर्थ का प्रेशर भी होता है, इसलिए उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, समथिंग लाइक सॉलिड, बट व्हेन इट केम्स आउट ऑफ द सर्फेस, मतलब वोल्केनो से बाहर आ गया, जब सर्फेस में आ जाता है तो इसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो ये ज्यादा बहने लगता है, इस वजह से तब एटमोस्फेरिक प्रेशर ही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो लावा क्या होता है, अर्थ सर्फेस पे होता है, आराम से बहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैग्मा क्या है, अर्थ के अंदर होगा, बाहर आएगा तो लावा है, लावा सॉलिड स्टेट में कूल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, कोई दिक्कत नहीं, मैग्मा क्या है, मैग्मा जो है लावा का कोलिस फॉर्म होता है, कैसे,
मैग्मा कूलेस्ट फॉर्म क्यों, मैग्मा तो अंदर है गर्म होगा, लावा ठंडा होने के बाद कुछ समय सरफेस फॉर्म कर लेगा, जैसे अपना जो ब्लैक सॉयल रीजन है लावा से बने हुए हैं, ओशियन के नीचे जो लेयर होती है मैग्मा की, हाँ वो मैग्मा है, वही लावा अलग है, लावा बाहर निकलने के बाद आएगा, लावा कहेंगे तब जो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सॉफ्ट सॉलिड है, या इसको हम लोग मेंटल स्टेज ही बोलते हैं, बट इट इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर, इसको हम लोग अप टू 400 किलोमीटर इट इज एस्थेनोस्फीयर, ओके अप टू 200 किलोमीटर लिथोस्फीयर, 200 टू 400 एस्थेनोस्फीयर, ओके मतलब लिटिल सॉफ्ट सॉलिड है, सॉलिड लाइक है बट नॉट एग्जैक्ट सॉलिड, कोई इश्यू याद है। देन एस्थेनोस्फीयर के बाद आ जाता है सॉलिड स्टेट, ओके सॉलिड स्टेट जो आ जाती है इसको हम बोलते हैं मेसोस्फीयर, बीच का रास्ता है इस मेसोस्फीयर एंड इट टेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर, ओके 2900 किलोमीटर के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है कोर, ओके कोर स्टार्ट हो जाएगा, कोर इज अगेन इनटू टू फॉर्म्स, फर्स्ट वन इज लिक्विड स्टेट, इसको हम लोग आउटर कोर भी बोल सकते हैं, ओके अदर वन इज सॉलिड स्टेट दैट इज इनर कोर, ठीक कोई समस्या यहां तक। देन द कोर इज नोन एज बेरिस्फीयर, पूरा का पूरा यस, ठीक है कोई दिक्कत, छाप डालो, ये क्या है जो हम लोगों ने इधर पढ़ी है, ये अर्थ के इंटीरियर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी, यहां पे मेटल मिला, सियाल मिला, सिलिका मिला, एल्यूमिनियम मिला, तो ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, भैया जनरल बात है ना, चलो एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं, वी हैव डिस्कस अबाउट द क्रस्ट, तो क्रस्ट की बात की थी मैंने, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ओशियनिक क्रस्ट की जो विड्थ होती है थिकनेस होती कितनी 5 किलोमीटर और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं वो 30-70 किलोमीटर तक अलग अलग होते हैं, प्लेन्स में 30 किलोमीटर होते हैं, माउंटेनियस रीजन में 70 किलोमीटर, ये हम लोग क्रस्ट की बात कर रहे थे, ओके हम लोगों ने क्या था डेंसिटी की बात की थी, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कितनी थी 2.7 दैट इज नोन एज फेल्सिक रॉक, देन ओशियनिक क्रस्ट इट्स डेंसिटी वॉज 3, ओके इसका नाम क्या बताया था मैंने मेफेलिक, देन मेंटल रॉक्स जो क्या है मेंटल की अपर लेयर, ये भी क्या है हल्की सी रॉकी है, इसके बारे में बताया था इसकी कितनी डेंसिटी 3.3, इसको बोलता अल्ट्रा मैफिक रॉक्स, देन अब हम लोग कहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, या हम लोग मिनरल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें क्रस्ट में, तो क्रस्ट में हमें कौन कौन सा मेटल मिलता है, अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखें तो सबसे ज्यादा क्या है सिलिका है एल्यूमिनियम, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही हमारे पास सबसे ज्यादा कि भाई ओशियनिक क्रस्ट तो समुद्र के नीचे है ना, देन ओशियनिक क्रस्ट में क्या है सिलिका एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशिया, कोई दिक्कत, तो हम लोग अपर लेयर में क्रस्ट में सिर्फ सिलिका और एल्यूमिनियम यानी सीआर पढ़ते हैं बिकॉज मैग्नीशियम इज इन वेरी लेस अमाउंट, होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, देन वी कम टू मेटल, मेटल में क्या है सिलिका एंड मैग्नीशियम इट इज इन लिक्विड स्टेट ऐसा कहा जाता है, देन कोर, कोर में क्या है निकिल एंड फेरस, एक आधी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, कोई दिक्कत क्या था, देन वी केम टू नो अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, फिजिकल फीचर्स में बात करें तो जो हमारे रॉक्स के बने हुए जहां हमें रॉक मिल रहा है पूरे सरफेस पे, चाहे वो मेंटल का अपर पार्ट हो या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो या ओशियनिक क्रस्ट हो, ये सब क्या है रॉक्स के बने हुए,
तो रॉक्स को हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में लिथो बोलते हैं, क्या लिथो बोलते हैं, इसलिए इस स्फीयर को, इस रीजन को क्या कहा गया, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की थिकनेस है, ओशियनिक क्रस्ट होता है लगभग 10 किलोमीटर तक, 0 to 10 किलोमीटर। देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है 0 to 100, सॉरी 30 to 70 बता रहे मैंने। देन मेंटल क्रस्ट, मेंटल तक अगर हम पूरा कॉन्टिनेंट से लेके मेंटल तक जाएंगे तो कितनी डेप्थ हो जाएगी, 200 किलोमीटर। तो हम लोग लिथोस्फीयर कहां तक लेते हैं, 200 किलोमीटर तक हमारा लिथोस्फीयर आता है। दैट इट इज इन सॉलिड स्टेट और रॉकी फॉर्म, कोई इश्यू। फिर क्या, इसके जैसे ही हम आए मेंटल के जस्ट नीचे हमें क्या मिलता है, एक लिक्विड जैसा स्टेट, दैट इज सॉफ्ट सॉलिड, या हम लोग इसको मैग्मा बोल सकते हैं। सॉलिड रहेंगे बट सॉलिड जैसा है, एग्जैक्ट सॉलिड हो तो क्या होगा, आप उसमें कुछ भी पटको वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बट अगर सॉलिड जैसा हो, जैसे हमारे क्या होती है प्लास्टिक की बॉटल, वो सॉलिड जैसी है बट सॉलिड नहीं है, बिकॉज तुम उनको पकड़ोगे और क्रश कर देते हो, यू कैन चेंज देयर फिजिकल स्टेट, दबा के उनको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, उसका डिजाइन बदल दिया, तो क्या है सॉलिड जैसा है ना कि सॉलिड है। और इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर फ्रॉम 200 to 400 किलोमीटर। ओके, देन स्टेनोस्फीयर के बाद आता है हमारा सॉलिड स्टेट, इट इज नोन एज मेसोस्फीयर फ्रॉम 400 to 2900 किलोमीटर। ओके, ये स्टेनोस्फीयर में क्या क्या रहता है, मेंटल रहता है ना प्रॉपर, मेंटल ये आपका मेंटल आपका आ जाता है 200 से 2900 तक, ये पूरा मेंटल। अच्छा ठीक है, ठीक है, मेंटल को ही हमने अलग अलग फॉर्म में बताया, क्या सॉफ्ट सॉलिड या स्टेनोस्फीयर जिसको हमने कहा, देन मेसोस्फीयर ये क्या है, कंप्लीटली सॉलिड है। और सबसे ऊपर वो जो आपने बताया था, इसके ऊपर ये क्रस्ट सरफेस के जस्ट नीचे, ये हाँ। ये अपर मेंटल पार्ट है, अपर मेंटल, मेंटल का अपर वाला पार्ट जो क्या है रॉक फॉर्म में है, इसलिए उसको लिथोस्फीयर में काउंट करना है क्योंकि रॉक फॉर्म में है। ठीक ठीक, ओके, मेंटल मेंटल तक पूरा रॉक फॉर्म में है, नीचे अपर मेंटल तक, नीचे वाला मेंटल क्या है, मेंटल जैसे हम लिक्विड स्टेट में मानते हैं, यहाँ मैग्मा है। फिर इसके बाद मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर इज कंप्लीटली सॉलिड स्टेट, देन इट्स कोर 2900 से 6400 तक कोर है। एक तो लिक्विड स्टेट में है कोर, वो क्या है आउटर कोर है, और जो सॉलिड स्टेट में है वो इनर कोर है। अब अर्थ के इनर सर्फेस को कुछ अलग अलग लेयर्स हैं, उनको नाम दिया गया, उनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। वो क्या करती हैं, अर्थ के इनर सर्फेसिस को सेपरेट करती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या है कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं अर्थ में, जहां पे चेंजेस आते हैं उसके बीच में एक लेयर बनाई गई, उसको नाम दिया गया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। लेयर्स बोल सकते हो या जोन्स बोल सकते हो, विच सेपरेट्स इनर पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ के जो इनर पार्ट को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट में, बात करें तो एक अपर क्रस्ट है आपका, एक लोअर क्रस्ट है, ठीक है, इसके बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी है जिसको बोलते हैं कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। कोई दिक्कत,
कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। फिर इसके बाद क्या होगा, क्रस्ट के बाद आपको क्या आता है, मेंटल। मेंटल और क्रस्ट के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम लोग बोलते हैं मोहो, मोहो या मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहो बोल देते हैं या मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है फाइन। देन मेंटल भी क्या है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, हाँ एंड लोअर मेंटल है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल को एक डिसकंटिन्यूटी अलग करती, सेपरेट करती, दैट इज नोन एज लेपिटी। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी तुम आगे लिख सकते हो सब। देन मेंटल के बाद क्या था, कोर। कोर अपर लोअर, अगर मेंटल को कोर से जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं हम गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और लो अपर कोर एंड लोअर कोर, इसके बीच में जो डिफ्रेंशिएट करता है उसका नाम है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी या लेहमैन बुनेन, लेहमैन बुनेन डिसकंटिन्यूटी। ओके ठीक, तो यू कैन राइट अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड है, देन क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में क्या है, मोहोविक, देन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, देन कोर, कोर और मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और कोर के बीच में कौन कर रहा है, लेमेन है, बुलियन, लोअर एंड अपर कोर में। ठीक, ओके okay?